Hello, children. I hope you all are good. Today, we are going to discuss the SST civics topic. The chapter number 31, name of the chapter is Marginalization. And in this chapter, we are going to understand the meaning of marginalization, what happened with the marginalization group, and what solution has been formed by the government and society to up these groups. Now, let's start the discussion with the marginalization. सी बेटा गॉड हैज मेड अस ऑल इक्वल वी ऑल आर इक्वल सो वी कैन नॉट से दैट आई एम सुपीरियर एंड अदर इज इंफीरियर इफ वी आर हैविंग सच टाइप्स ऑफ माइंड सेट वे वी आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट द पीपल अकॉर्डिंग टू देअर कास्ट रिलीजन लैंग्वेज एक्सेट्रा इन इक्वल्टी डैट इज अ स्टेम्स फॉर सेवरल फैक्टर जो हमारे दिमाग में आते हैं ना कि ये हमसे इक्वल नहीं है बराबर नहीं है हम तो रिच हैं वो तो पुअर है हमें लगता है ये हाई कास्ट लो कास्ट दीज ऑल थिंग्स आर रॉन्ग्स कई बार हम कहते हैं ये पढ़ा लिखा है ये अनपढ़ है क्या है किस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो तो जब भी हम अन जैसे कहते हैं ना अनइक्वल किसी को ट्रीट कर रहे हैं या इन्फीरियर ट्रीट कर रहे हैं अपने से सो दैट इज़ नोन एज मार्जिनलाइज्ड

अपने साथ मिला ही नहीं रहे हैं हमारे लिए इनफीरियर एंड द पार्ट नॉट इंक्लूडेड इन द मेन पार्ट ऑफ द सोसाइटी वेन सम पीपल एज अ ग्रुप आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी देन दोज पीपल दोज ग्रुप्स आर नोन एज मार्जनलाइज ग्रुप अ पर्सन और ग्रुप मे बी द मार्जनलाइज क्यों हो सकता है मे बी उनकी कुछ पेक्यूलर हैबिट हैं जो हमें अच्छी नहीं लग रही या उनके कस्टम्स हैं अ पर्सन में हैव डिफरेंट एक्सेंट और ड्रेसिंग स्टाइल उस पर क्या हम उसे अपने से अलग कर सकते हैं कैसे कपड़े पहनता है कैसे बोलता है कौन सी लैंग्वेज है ये क्या कल्चर अपनाए हुए हैं ये कैसे हेयर स्टाइल बनाए हुए हैं अगर इन बातों को लेकर हम उन्हें अपनी मेन स्ट्रीम से अलग रखते हैं तो इट मीन्स हम उन्हें मार्जिनलाइजेशन में ला रहे हैं मार्जलाइजेशन बिकम एक्यूट वैन सच ग्रुप्स आर ट्रीटेड अनइक्वली आप बेशक आप उन्हें अलग तरीके से देख रहे हो लेकिन अन एकवल तो ट्रीट मत करो ना इंफीरियर तो ट्रीट मत करो ना डिस्क्रिमिनेट तो मत करो दर्स मार्जनाइजेशन इज वैन सच पीपल आर हरेस्ड और ट्रबल्ड फॉर नो फॉल्ट ऑफ दियर्स ये गलती है जब हम उन्हें हरेस कर रहे हैं ट्रबल कर रहे हैं परेशान कर रहे हैं जबकि उनकी कोई गलती नहीं सिर्फ इसलिए वो हमसे अलग दिख रहे हैं कुछ हमें उनमें अलग दिख रहा है कुछ अलग काम कर रहे हैं मार्जिनलाइजेशन कैन बी ड्यू टू द इकोनॉमिक सोशल कल्चर रिलीजियल एजुकेशन पॉलिटिकल फैक्टर किसी भी हाफ पे भी हम किसी भी ग्रुप को मार्जिनलाइज कर सकते हैं एंड दैट इज रॉन्ग मैनी केसेज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दैम हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू देयर सोशल एंड इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट ये मार्जिनलाइजेशन है ना इन ग्रुप को कभी आगे आने ही नहीं देता अंडर डेवलपमेंट में रह जाते हैं वो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज की बात करें सो बाई मार्जिनलाइज कम्युनिटी इज में कम्युनिटी और डिप्राइब्ड ऑफ सोशल राइट दे ही नहीं रहे हमने सोशल राइट्स क्यों नहीं दे रहे ड्यू टू समल और इकोनॉमिक कॉजेज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स टेबल प्रोविजन बाय विच सोशल इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इक्वलिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटीज शुड बी गिवन टू ऑल सिटीजन एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया लेकिन हम देना नहीं चाहते वी कंसीडर दैम द इनफीरियर क्वालिटी इनक्वालिटी हमारे अंदर ना कई कारणों से आ जाती है मेन तो अगर हम देखें तो सोशल इनक्वैलिटी सोशल इनक्वालिटी में हम क्या करते हैं हम बहुत सारी कम्युनिटीज़ को बेसिक राइट्स नहीं देते राइट टू एंटर सर्टेन प्लेसेस टेंपल में नहीं जाना बेदिंग है या पार्क है उसमें नहीं जाना दे आर नॉट अलाउड टू अडॉप्ट और एक्सेप्ट एनी प्रोफेशन आउट ऑफ देयर कास्ट नहीं नहीं आप ये काम नहीं कर सकते जो आपका पहले से ऑक्यूपेशन चला आ रहा है वही काम करो दे आर नॉट अलाउड टू लिव इन द प्लेस वेयर द सो कॉल्ड हाई कास्ट पीपल लिव अलाउड है नहीं 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 रह सकते आप वहां नहीं रह सकते नॉट अलाउड टू गेट एडमिशन इन द स्कूल अब हम ऐसा करेंगे तो वो मार्जनलाइज ही होंगे डिस्क्रिमिनेट ही होंगे ऑल दीज कॉजेज आर फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दम और यही कारण है उनके ऊपर फिर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है जब उन्हें एजुकेशन नहीं मिल रही हेल्थ नहीं मिल रही सोसाइटी में इक्वल स्टेटस नहीं मिल रहा तो पिछड़ते जाते हैं some communities have been identified as marginalized आप उसमें से देखो आप इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज जो है आपकी एस सी एस टीज ओ बी सी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड कास्ट इन सम केसेस माइनॉरिटी कैन बी आइडेंटिफाइड एज मार्जिनलाइज एससी की अगर हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट की सो मोस्ट ऑफ द रिलीजन हैव सब ग्रुप्स हिंदुओं में अगर बात करें तो दी सब ग्रुप्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कास्ट द मेंबर ऑफ दीज कास्ट एक्ट लाइक अ कम्युनिटी ये सारी जो कास्ट हैं ये मिलकर एक कम्युनिटी बनाती है कास्ट कैसे है किस पे बेस है कास्ट बर्थ पे मैरिट पे तो बेस है नहीं अब बच्चे की गलती है कि मैंने इस कास्ट में बर्थ लिया है दिस द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ या बच्चे को भगवान को बोल कर आना चाहिए नहीं 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 मुझे ना इस कास्ट में देना इस फैमिली में देना इस कंट्री में देना ये मेरिट पे नहीं है कास्ट बर्थ पे है मोस्टली द मेंबर ऑफ सर्टेन कास्ट आर फोर्स टू अडॉप्ट अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन जो बहुत लंबे समय से उनके पहले के जो पूर्वज हैं पहले के जो लोग हैं करते आ रहे हैं वही काम आप करोगे इफ योर फैमिली मेंबर्स वर कॉबलर यू हैव टू डू द कॉबलर जॉब यू कैन नॉट बिकम इंजीनियर डॉक्टर एंड सम ऑफ दीज कास्ट आर कंसीडर्ड हाई कास्ट एंड अदर एज लो कास्ट लो कास्ट आपको क्या काम करना है मैनुअल ऑक्यूपेशन स्केविजिंग करो कूड़ा उठाओ गंद उठाओ लेदर वर्क रोइंग बोर्ड एक्सेट्रा डेड बॉडी रिमूव करो दिस लो कास्ट आर सब्जेक्टेड टू डिस्क्रिमिनेशन एंड ट्रीटेड एज आउट कास्ट ट्रीटेड एज आउट फ्रॉम द सोसाइटी एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दीज पीपल ंग सो मीनियल वर्क डेट दे कंसिडर्ड एज अनटचेबल अनटचिलिटी का शिकार होते हैं हमें पता है कि हमारा उनके बिना काम नहीं होना वो क्या कर रहे हैं दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेस टू द सोसाइटी आप सर्विसेज टीचर भी तो दे रहे हैं ना वी नीड टीचर वी नीड वॉशरमैन वी नीड ट्रेडर्स वी नीड मिल्कमैन वी नीड ड्राइवर हमें चाहिए ना ये सारे शू मेकर भी चाहिए विदाउट एनी ऑफ देम आर सोशल लाइफ और सोशल फैब्रिक विल नॉट विवेन सो ऑल ऑफ देम आर एसेंशियल फॉर अस फिर हम क्यों ऐसा इ बिहेवियर करते हैं ऐसे हार्श ट्रीटमेंट क्यों देते हैं अगर बेटा आप सोचो जो आपका कूड़ा लेके जाते हैं घर का सफाई कर रहे हैं ना दे आर द सफाई कर्मचारी कूड़े वाला बोल देते हैं हम उन्हें लेकिन अगर वो सफाई नहीं करेंगे तो क्या आपके घर में पूरा कूड़ा नहीं इकट्ठा हो जाएगा उनके बिना क्या आपका घर चल पाएगा सफाई से हमें जरूरत उनकी भी है जो रोड को स्वीप कर रहे हैं उनकी भी जरूरत है लेकिन हम फिर भी हार्श ट्रीटमेंट करते हैं उनके लिए ईच ऑफ देंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव दियर रिस्पेक्ट and the respective list scheduled caste in their respective territories these castes are as a whole considered the marginalized and depressed group bahut sare measurement liye ja rahe hain for the upliftment of the scheduled caste Scheduled tribes की बात करें जिनको हम फटाफट एस टी का नाम आते हैं हम कहते हैं आदिवासी हैं जंगलों में रहते हैं आदिवासी means primitive, original people. बहुत backward है Traditionally they have been living in the forested area. उनका अपना एक peculiar lifestyle होता है They do not want to leave the nature. They like to live in the lap of nature. Forest product को use करते हैं अपने subsistence के लिए अपने livelihood के लिए तो वो nature को harm नहीं करना चाहते अपने development के लिए जब British ने बहुत सारे forest को uh, occupy किया था ना तो they

where they worked as a daily wage earner and lived in inhuman condition still we are having the large number of tribes which live in the forest especially in the states of odisha west bengal madhya pradesh Chhattisgarh, jharkhand andhra etc as they like to live aloof from mainstream lifestyle they have remained socially and economic backward उनका अपना लाइफ स्टाइल है अपने नेचर को प्यार करते हैं तो हम उन्हें कोई भी बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड ही नहीं करना चाहते और यही कारण है वो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते जा रहे हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने शेड्यूल ट्राइब्स रिकोगनाइज किया मैनी लीगल प्रोविजन हैज़ बिन प्रोवाइडेड सो डैट एजुकेशन हेल्थ सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट जो है शेड्यूल ट्राइब्स का हो सके अब थर्ड कैटेगरी अगर हम देखें जो मार्जनालाइज ग्रुप में हम लाते हैं डेट इज़ ओ अदर बैकवर्ड कास्ट अदर बैकवर्ड कास्ट को अगर हम देखते हैं सो दीज ग्रुप्स आर पोलिटिकली स्ट्रोंग दे हैव बिन रिकोगनाइज एज अदर बैकवर्ड क्लास एंड दे हैव सक्सीडेड टू गेट सेवरल फैसिलिटीज फॉर देम ये पहले जो है अंडर डेवलप्ड थे लेकिन अभी अगर हम देखें तो ओ की कंडीशन सुधर गई है काफ़ी रिफॉर्म्स आए हैं हम ये कह सकते हैं कि इनका अपलिफ्टमेंट हुआ है और पॉलिटिक्स में इन्होंने अपनी पावर को बढ़ाया है स्पेशली जब इन्हें रिजर्वेशन मिला है उसके थ्रू ये बहुत आगे आए हैं ई की बात करें इकनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है सो डैट इज़ ऑल्सो ट्रू डेट देर आर सेवरल मार्जिनलाइज क्लासेस अदर देन एस सी एस टी और ओ बी सी जिनको हम पहचान नहीं पा रहे हैं मे बी दैट आर रिलेटेड टू द हाई कास्ट ऑल्सो हाई कास्ट में भी रहकर उनकी इनकम कम है सो so, ऐसे लोग ई सेक्शन में आते हैं ई डब्ल्यू है, जो है बेटा नॉट रिलेटेड टू एनी कास्ट और रिलीजन इट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक सेक्शन द पर्सन हु इज इकोनॉमिकली वीक दैट कम्स अंडर द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ई

क्चुअली बेस्ड ऑन रिलीजन एंड लैंग्वेज कि कौन सा रिलीजियस ग्रुप जो है कम है संख्या में और कौन सा लिंग्विस्टिक ग्रुप है कम संख्या में तो ऐसे तो हम देखें तो मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बुद्धिस्ट पार्सिस जैन कंसिडर्ड एज अ माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑन द रिलीजियस लाइन हाउवर कंफ्यूजन माउंट्स बिकॉज सम ऑफ दीज कम्युनिटीज आर नॉट लेस इन नंबर इन सर्टेन स्टेट्स कुछ स्टेट्स में देखोगे तो ये कम्युनिटीज वहां पे मेजोरिटी में है सिख को अगर आप देखोगे पंजाब में ये मेजोरिटी में उनका नंबर कम नहीं है मुस्लिम्स को अगर आप देखोगे तो उनकी पॉपुलेशन कंट्री में बहुत ज्यादा है दे आर नॉट लेस देन इन सम एरिया सो इज द केस विद द क्रिश्चियंस ऑल्सो नाउ ऐसा लगता है द हिंदूज आर इन माइनॉरिटी इन मैनी स्टेट्स बट दे आर रिकोगनाइज एज अ मेजोरिटी उनको रिकोगनाइज ही नहीं किया जाता माइनॉरिटी में देर फॉर इज अ नीड फॉर द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ माइनॉरिटी ये पता होना चाहिए कि आप माइनॉरिटी किसे कह रहे हो अगर संख्या के अकॉर्डिंग कह रहे हो नंबर के अकॉर्डिंग कह रहे हो तो यहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है हिंदू आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि उनकी संख्या कम हो रही है उन्हें माइनॉरिटी में आप नहीं देख रहे लेकिन जिनकी संख्या बढ़ गई है उनको आप माइनॉरिटी में अभी भी रख रहे हो These communities are considered marginalized. However, the truth remains that not all of them are marginalized. If you see minorities, marginalized. For example, the Jain, Sikhs, and Christian. They live in almost all the states and are quite influential, well educated, and getting the proper facilities also. So, criteria for considering a community marginalized. शुड बी इट्स सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस नॉट द नंबर ऑफ द पीपल अब नंबर ऑफ़ द पीपल में आपने इन्हें कह दिया कि ये जो हैं है मार्जनलाइज है डेट इज रॉन्ग क्योंकि आप देखेंगे ये बहुत अच्छे से वेल well एजुकेटेड है बहुत सारी जगह पर अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं अच्छे से पढ़ रहे हैं अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा गवर्नमेंट को वर्क करना पड़ेगा बट गवर्नमेंट हैज़ रन सेवरल वेलफेयर मेशर्स फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटीज जिसमें स्कॉलरशिप है फेलोशिप है अदर प्रोग्राम्स भी रखे गए हैं फॉर देयर डेवलपमेंट एफर्ट्स फॉर सोशल इक्वलिटी की बात करें तो सोशल इक्वलिटी लाने में बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने काम किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इस पर बहुत सारे प्रोविजन दिए हैं द पीपल ऑफ मार्जनलाइज क्लास हैव बिन गिवन रिजरवेशन रिजर्वेशन एक टूल दिया गया है मार्जिनलाइज क्लास को फॉर एडमिशन टू द हायर एजुकेशन और इंस्टीट्यूट एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट दिस अ प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ फिफ्टीन परसेंट एस ये डाटा आपको याद रखना है बेटा देन सेवन पॉइंट फाइव परसेंट फॉर एस टीज ट्वेंटी फॉर ओ एंड टेन परसेंट फॉर ई अब इसको टोटल करो फिफ्टीन प्लस सेवन कितना हुआ ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू प्लस ट्वेंटी सेवन डैट इज आपका फोटी नाइन एंड टेन फिफ्टी नाइन पॉइंट फाइव परसेंट सीट्स तो रिजर्वेशन में चली गई ग्रेट लूप होल इन दिस सिस्टम दैट द पीरियड ऑफ रिजर्वेशन इज एक्सटेंडेड टाइम एंड अगेन विदाउट स्टार्टिंग इफ दिस प्रोविजन हैज रियली पीपल ऑफ दिस क्लासेस यह हमें देखना पड़ेगा क्या रिजर्वेशन हेल्प कर रहा है और अगर हेल्प कर रहा है तो किसको कर रहा है अगर आप 60% परसेंट रिजर्वेशन में ही रख रहे हो ऑलमोस्ट तो so बाकी की जनरल कैटेगरी को क्या फायदा होगा या नहीं होगा और लूप होल है इसमें क्या असली जो एस सी एस टीज हैं वहाँ तक ये फैसिलिटीज जा रही है देन द प्रैक्टिस ऑफ अनटचिलिटी हैज बीन एबॉलिस्ड और ये आपका जो है एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है पनिशेबल ऑफेंस है पीपल बिलोंगिंग टू दीज क्लासेस कैन नॉट बी फॉरबिडन कोई मना नहीं कर सकता कि आप जो है पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जा सकते या पब्लिक जो है कुओं को यूज़ नहीं कर सकते पब्लिक पार्क पब्लिक बसेस या पब्लिक टेंपल्स जो हैं आप इनको यूज़ नहीं कर सकते दे कैन यूज़ देर आर सेवरल लॉज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ दीज क्लासेस एक लॉ ऐसा भी आया था शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 इन विच एनी एक्सप्लाइटेशन ऑफ एस सी एंड एस टी मेम्बर इज टेकन वेरी सीरियसली अब हम अपने सोशल रिफॉर्मर्स की बात करते हैं जिन्होंने जो मार्जनलाइज ग्रुप है उनको अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे काम किए सो उसमें बहुत सारे नाम आते हैं आप देखते हैं ज्योतिबा फूले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महात्मा गांधी दे डे लॉड्स ऑफ वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मार्जनलाइज कम्युनिटीज after independence, there was a great change which we can see that in people's outlook. now, people of the marginalized classes are becoming increasingly acceptable to the common people, to the mainstream. education is a role of common means of transport have enabled to bring them to the situation. many people now think in terms of the dirty bodies and unhygienic clothes. देन द कास्ट अब लोगों को समझ में आ रहा है कि हम मार्जिनलाइज जब कह रहे हैं किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो कास्ट रिलीजन लैंग्वेज या कल्चर के हिसाब से नहीं करना कई हमें जो देखना है ये देखना है कि डर्टी है गंदगी से रह रहा है सफाई से नहीं रह रहा तो हम ये कह सकते हैं कि भाई आपका अनहाइजीनिक क्लोथ है या डर्टी बॉडी है इसको साफ करो ना कि कास्ट के बेस पे अफकोर्स मच मोर नीड्स टू बी डन अभी बहुत दूर तक हमें जाना है और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करनी है लोगों के माइंडसेट को जो है सही करना है आप देख सकते हैं इस पिक्चर में हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी ही हैज़ हिमसेल्फ वॉश द फीट ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू द मार्शलाइज क्लासेज इन ऑर्डर टू मेक दैम मोर एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी कि अगर मैं इनके साथ रह सकता हूँ तो आप क्यों नहीं मैनुअल्स मैनवल्स केवेंजी की बात करते हैं बेटा ये सबसे बड़ा अपराध है इंडिपेंडेंट तो हम हो गए 1947 में लेकिन बहुत सारे ऐसे सोशल लेवल हैं जो आज भी सोसाइटी में हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क करते हैं जिसमें है मैनुअल स्कैंडिंग इट मीन्स दैट द डेली वर्क ऑफ मैनुअली क्लीनिंग एंड रिमूविंग ह्यूमन एंड एनिमल फेसेस वेस्ट और नाइट सॉयल फ्रॉम ड्राई फ्रश लैटरिंग्स एंड ऑल्सो कैरिंग इट ऑन द हेड टू डंप एंड डिस्पोजल ग्राउंड आपने कई बार देखा होगा देखो ये गंद उठा रहे हैं ह्यूमन वेस्ट उठा रहे हैं एनिमल वेस्ट को हाथ से साफ कर रही हैं और कई बार आपने देखा होगा कि आपके जो ड्रेनेज हैं वो जो है ख़राब होते हैं तो उसमें ह्यूमन घुसे हुए हैं ड्रेनेज को साफ़ करने के लिए होल्स को साफ़ करने के लिए गंदी नालियों के अंदर घुसे हुए हैं डैट इज़ रॉन्ग इस सेंचुरी में आके क्या हमारे पास इतनी एडवांस मशीन नहीं है कि हम अपने ड्रेनेज को साफ़ करवा पाएँ या हम ह्यूमन एक्सक्रीटा को उठवा पाएं ये मैनुअल है। गंद को उठा के सर पे लाके वो फेंकने जाते हैं और ये कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन बन चुका है डिप्रेस क्लासेस से ये काम कराया जाता है अनटचेबल से ये काम कराया जाता है लुकिंग एट देयर प्लाइट एंड अनहाइजीनिक वर्किंग कंडीशन द गवर्नमेंट हैजोलिश द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल 1993। कानून बनाया इसके अगेंस्ट एम्प्लयमेंट ऑफ मैनुअल्स केवेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेटरिनस प्रोहिबिशन एक्ट 1993 कैसी लैटरिंग ही नहीं बनेगी जिसका वेस्ट जो है ह्यूमन उठाए तो ये कानून बनाया गया दिस लॉ हैज डिक्लेयर्ड मैनुअल्स केवेंजिंग जो है इलीगल है लेकिन बेटा क्या आपको लगता है कि मैनुअल्स केवेंजिंग खत्म हो गई है अगर आप देखें तो खुद गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में ये काम करवाया जा रहा है आज भी आप बहुत ज्यादा जो बड़े बड़े ड्रेनेज हैं होल्स हैं नाली हैं, नाले हैं इनको साफ करने के लिए आप देखेंगे बहुत सारे जो हैं लोग उसमें उतरते हैं और साफ करते हैं और लोअर स्टार्टअप सोसाइटी से ये काम करवाया जा रहा है कितनी प्रॉब्लम होती है उनकी स्किन को उनके आइज को उनके लिम्स को उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को उनकी बॉडी पे कितने बैक्टीरिया इन्फेक्शन होते हैं जब वो ड्रेनेज में उतरते हैं और ऐसे गंदे काम करते हैं ऐसी मतलब सफाई उनके हाथ से वेर आर द मशीन्स वर वी प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज बिफोर दे आर एंट्रिंग टू द ड्रेनेज दैट नीड टू चेक बाय द गवर्नमेंट क्योंकि नाले हो गए नालियां हो गई ये बड़े बड़े ये गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और ये काम वो करवा रहे हैं इन द प्रेजेंट टाइम द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द स्वच्छ भारत मिशन इन विच अवेयरनेस प्रोग्राम है मूवमेंट को बहुत तेजी से चलाया जा रहा है तो इससे क्या है थोड़ा सा लोगों में अवेयर आई है द बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर दिस मिशन यूज ऑफ फ्लश सिस्टम सो देअर विल नॉट बी एनी नीड फॉर मैन के इन दैन ओवर वन करोड़ टॉयलेट है स्टिल वी नीड टू वर्क ऑन द मैनुअलजिंग अभी भी वन लैख पीपल इंगेज इन दिस मैनुअर्सिंग सो वी नीड टू वर्क ऑन डेट नोइ पे देखते हैं नाइनटीन सेवेंटीज डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक इंट्रोड्यूस द सुलभ पब्लिक टॉयलेट आपने कई बार देखे ना जगह जगह सुलभ शौचालय इंडिया में उन्होंने ये स्टार्ट किया था नाइनटीन सेवनटीज में दिस इज अजीनिक एंड वेल मैनेज पब्लिक टॉयलेट सिस्टम इन डिफरेंट टाउन्स इट इज़ अ मैटर ऑफ रेगरेट दैट देर स्टिल एग्जिस्ट ओवर थर्टी थाउजेंड ड्राई टॉयलेट्स मेनली इन सिक्स स्टेट्स ऑफ द कंट्री अभी भी हैं जबकि गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया है द पीपल वर्किंग इन दैम फेस सीवियर डिस्क्रिमिनेशन इवन फ्राम अदर डिप्रेस क्लासेस बहुत सारी शॉप्स में अगर आप देखोगे ना सिंपली डोंट सेल दैम थिंग्स एंड अदर पीपल डोंट अलाउ दैम टू कम इन टच विद दैम और लिव इन दैम आज भी है ऐसे लोगों के साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार होता है गवर्नमेंट खुद ये काम कर रही है बहुत सारे ऐसे ऑफेंडर। गवर्नमेंट ने कर रखे मल्टीप्लेक्सिटी म्यूनिसपैलिटीज एंड अदर डिपार्टमेंट रेलवे लार्ज नंबर ऑफ दीज वर्कर रेलवे में सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे मैनुअल्स केवेंजर द अबव लाओ prescribed an important what that imprisonment फॉर अप to वन ईयर कानून बनाया गया है एक साल तक की सजा मिल सकती है या दो हजार तक का फाइन लग सकता है अगर आप इसको अफेंड करते हो वो कैन ऑल्सो बी लाइबल टू प्रोसिक्यूशन अंडर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज सो इतने कानून बनने के बाद भी गवर्नमेंट खुद ही इंप्लाई कर रही है मैनुअल्स के यहां बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है अब देखो द सुप्रीम कोर्ट टू हैज डायरेक्टेड एवरी डिपार्टमेंट एवरी मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू इंडिकेट अ टाइम बाउंड प्रोग्राम फॉर लिबरेटिंग एंड रिहेबिलिटिंग ऑल मैनुअल स्क्रज इन्हें दोबारा से बजाओ इनके लिए दूसरे प्रोग्राम लेकर आओ स्टिल मैनुअल स्केटिन्यूज टू एग्जिस्ट

Scheduled scheduled tribes and other backward classes and minorities have been identified as a marginalized communities. Caste system is the chiefly responsible for social inequality in India. Then practice of untouchability is a punishable offense as it has been abolished by our constitution. Economically weaker section among so called high caste have also been identified as a marginalized. This is EWS section. Minority group can be based on religion and as well as language. Efforts have been made for the upliftment of the marginalized classes, but manual scavenging, which is prohibited, I hope you understand each and every concept. Now it's your turn. Do the exercise carefully.